नमस्कार, क्लास सिक्स मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, कौन कौन से नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर हैं। ठीक है, ये तो हमने पहले कर ही लिया है, हमको पता ही है। तो सॉल्यूशन हम करते हैं कैसे, 23 का क्या होता है, 1 × 23, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 23 × 1। इसके अलावा और भी कोई फैक्टर्स में होंगे नहीं, 1 से ही 23 डिवाइड होगा, 23 से ही होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इट इज क्या है, प्राइम नंबर, इट इज प्राइम नंबर। ठीक है, बी क्या है, 51 का क्या होगा, 1 × 51, ओके, 2 नहीं होगा, 3 × 17, ओके, 3 से डिवाइड हो जाता है, उसके बाद 5 से नहीं होगा और किसी से भी नहीं होगा, लेकिन 17 से वापस हो जाएगा, 17 × 3 जो आया है वो पलटेगा जरूर, 3 × 17 है तो 17 × 3 भी होगा, 51 × 1 भी होगा। ठीक है, 51 × 1, तो इट इज नॉट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, अगला क्या है, 37 का क्या होगा, 1 × 37 एंड 37 × 1, तो ये क्या है, इसके अलावा और कुछ किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो इट इज क्या है, इट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ओके। इसके बाद डी क्या है, डी क्या है, 26, ओके, 26 को वापस आप करेंगे, 26 टू जा भी होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, यानी ये सिर्फ 13 × 2 पलटेगा ही 26 × 1, तो क्या है, इट इज नॉट द प्राइम नंबर, इट इज नॉट द प्राइम नंबर। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। ठीक है, तो आंसर हम क्या लिखते हैं, एक लास्ट में हम लिख देते हैं, यहां पे एक सिंस करके लिख देते हैं, सिंस, ठीक है, ओके, तो हम लास्ट में लिख देते हैं कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, 23 and 27 आर ओनली द प्राइम नंबर। एक लास्ट में लिख देते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऊपर में हमने लिख ही दिया है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट, 23, 27, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है,